तो आज हम कामिल कोच पकड़ के बुर्सा से अंतालिया की तरफ जाएंगे, जो कि 10 घंटे का सफर है। अस्सलाम वालेकुम। सीन ये थे कि सुबह बस थी 9:30, थोड़ा लेट हो गया था, तो भागम भाग बड़ी मुश्किल स्टेशन पहुंचा। स्टेशन से सामान वगैरह मैंने रखा, सामान आपने खुद उठा के सारा मूव करना होता है, वो किया, बस में डाला और टाइम पूरा हो गया। ठीक है, 12 बजने वाले हैं, तो ये बस ने पहला स्टे किया है, नाम बड़ा मुश्किल है जगह का, यहाँ सिर्फ 15 मिनट का स्टे है, उसके बाद ये फिर निकल जाएगी अंतालिया के लिए। चाह हम अंतालिया रहे आज। ये वाली बस है जी हमारी, मर्सिडीज की है, अच्छी है, कम्फर्टेबल है। ग्रैंड आर्कन होटल। ये है भाई इनका रेस्टोरेंट एरिया, और यहाँ पर हमें ब्रेकफास्ट सर्व होता है, और जिसने को खाना पीना है वो भी यहाँ पे। ये फिर भाइयों का अपना वो बार वाला सिस्टम भी है यहाँ पे। ये है हमारा सुबह का नाश्ता, चीज रोल है, पेनकेक है, एग है बॉयल्ड, चीज स्लाइस है, और ये कॉफी है, साथ उसने ब्रेड भी दे दिए, मेहरबानी इसकी। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम अंतालिया। कल बुर्सा से बस थी हमारी अंतालिया की, जो कि उन्होंने कहा था तकरीबन 8:30 घंटे तक पहुंचा देगी, बट उसने 10 घंटे से भी ज्यादा टाइम ले लिया। तो कल बहुत ज्यादा थक गए थे, डिसाइड यही किया था कि रेस्ट करेंगे, कुछ थोड़ा बहुत खाएंगे पियेंगे, और आज फिर हम फ्रेश होके उठेंगे और डिस्कवर करेंगे अंतालिया की जगह। तो अभी ये डिसाइड किया कि यहाँ हार्बर वाली साइड है, वहाँ जाते हैं, उसको थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पर बीचेस हैं, मॉल्स अच्छे हैं, और खाना पीना यहाँ कंपैरेटिवली मुझे बेहतर लग रहा है बुर्सा से, तो थोड़ा सा खाना भी डिस्कवर करते हैं, ये सारी चीज़ें देखते हैं अंतालिया में आज। ये है भाई मेरे पीछे हार्बर, ये पर्ल हार्बर के नाम से जगह है, और फुल बोट शोट वाला सीन है यहाँ पे, और आज थोड़ी सी गर्मी यहाँ पे ज़्यादा है, इस वजह से जो है ना इस पे जाने का इरादा नहीं है, यही देखूंगा। और एक ऊपर थोड़ा सा सीन मज़े का मुझे लग रहा है, वहाँ से ना और बेहतर व्यूज आएंगे सी साइड के, वो लेते हैं। इधर यार शफाफ पानी है, फुल मछलियाँ शछलियाँ ना नज़र आ रही हैं। थोड़ी ग्लासेस भी पहनता हूँ क्योंकि आँखों में ना सन लाइट चुभ रही है। भाई इस पार्क को जितना एंजॉय करना था ना कर लिया, अच्छी थी राइड्स, छोटी हैं बट अच्छी हैं, डेंजरस नहीं है, खतरनाक नहीं है, गर्मी थोड़ी ज़्यादा है इस वजह से हालत जो है वो टाइट हुई हुई है, और आवाज़ बहुत ज़्यादा है इसलिए आवाज़ नहीं आ रही, गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा है और निकलना भी कम हो रहा है। 2 दिन से तबीयत ख़राब थी, आज बेहतर हुई है, तो भाई आप प्राउड हो गया, इंशाल्लाह मिलते हैं कल। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग फ्रॉम अंतालिया वंस अगेन। आज हम आए हैं वुडन वाटरफॉल, यहाँ की मोस्ट फेमस वाटरफॉल है ये जी, हमें वेलकम कर रहे हैं। एंट्रेंस पे काफी ज्यादा रश लगा हुआ था, तकरीबन कुछ 70 लीरा की अडल्ट की टिकट मिलेगी, और बच्चों की एज जो 4 साल से नीचे तक है वो फ्री है। आगे जाके देखते हैं कैसी बनाई है। और ये पानी आ रहा है कहीं वहाँ पीछे से, लेकिन वाटरफॉल जो है ना वो मेरे पिछली साइड पे, तो उस तरफ जाते हैं। अच्छा, तुर्की में जो है ना मोस्टली चीज़ें वो पेड़ देख रहा हूँ मैं, जैसे एक वाटरफॉल है ये भी पेड़ है, एयरपोर्ट पेट्रोलिस थी वो भी पेड़ हैं, वॉशरूम वो भी पेड़ हैं, तो कोई भी ऐसी चीज़ जो थोड़ी बहुत काम की वो अनपेड आपको नहीं मिलती, हर चीज़ आपको पेड मिलेगी यहाँ पे, तो इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है। तो इस टाइम को तुर्किश लीरा जो है वो हम उसको कंसिडर कर रहे हैं 10 रुपये के करीब, 10 रुपये का एक लीरा है, तो ऑन एवरेज जो मिनिमम आपकी स्पेंडिंग है ना एक टूरिस्ट स्पॉट की, अगर नॉर्मल टूरिस्ट स्पॉट हो तो वो आप ये समझें कि 1000 से 1200 रुपये हैं। बाकी ट्रॉलीज और वो सब चीज़ें मैं डिस्कस नहीं करना चाहता, ये सब चीज़ें तकरीबन इतने की आपको मिल जाती हैं।
ये है भाई यहाँ की मोस्ट फेमस लूडन वाटरफॉल। अच्छा तो ये इनकी थी जी डूडन वाटरफॉल। डूडन वाटरफॉल और एक यहाँ और वाटरफॉल है, ये दो वाटरफॉल यहाँ की फेमस हैं। इस वाटरफॉल को देखने के बाद मेरे ख्याल में हाँ हमारे मुल्क में काफी सारी अच्छी वाटरफॉल्स हैं। इसके लिए इन्होंने टिकट भी लगाया हुआ था और काफी चल के जाना पड़ा। इनके पास शायद इतने ही एंटरटेनमेंट्स हैं जो ये लोगों को फैसिलिटेट कर सकते हैं। पार्क को इतना अच्छा मेंटेन नहीं है, इनको अच्छा से मेंटेन करने की जरूरत है। फॉरनर्स बहुत ज्यादा है यहाँ पर, हर तरह के लोग मिल जाएंगे। फूड की क्वालिटी बहुत अच्छी है बट वैरायटी में कमी है। या तो इनका फूड मिलेगा ये आपको बड़ा सोफिस्टिकेटेड सा टमाटर प्याज ये वो ये वाला फूड मिलेगा। और हम है देसी, हमें अभी तक कोई एक रेस्टोरेंट पाकिस्तानी नहीं नजर आया भाई। आज हमारा 10वां दिन है मेरे ख्याल में और हमें नहीं नजर आया। बहरहाल कोई बात नहीं, खैर है, नई जगह होती है तो नई चीजें आप एक्सप्लोर करते हैं और इंजॉय भी करते हैं। कुछ शॉपिंग करनी है, जाके शॉपिंग करेंगे, फिर कल देखते हैं कि कल हम क्या कर सकते हैं। कल हमने एक होटल चेंज करना है, तो नया होटल अगर अच्छा हुआ तो वो मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि अभी वाला होटल बहुत छोटा है कि बस पूरे पूरे आ रहे हैं। कोशिश करूंगा दिखा दूं, अगर नहीं दिखा सका तो मैं आपको अपना अगला होटल लाजमी दिखाऊंगा। मिलते हैं कल, अल्लाह हाफिज़।